हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 3 पहल गणित कार्य पुस्तिका में कार्य पत्रक 39 और 40 हल करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी के कार्य पत्रकों के हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलो आइए देखते हैं कार्य पत्रक 39। दक्षता है लंबाई अथवा ऊंचाई अथवा दूरी का अनुमान अमानक इकाइयों से लगाने की समझ बना पाना, यानी इनका अनुमान अमानक इकाइयों से लगाना। अमानक इकाइयाँ वो होती हैं जो अपने क्षेत्रीय स्तर पर काम में लेते हैं, जैसे अंगुल है, बालिस्त है, कदम है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं होती है वो होती है अमानक इकाइयाँ। देखो पहला है लंबाई में छोटे से बड़े का क्रम लिखिए। सबसे छोटा कौन सा है, एक नंबर दे दिया इसको। फिर ये है इससे बड़ा 2 नंबर, फिर ये इससे बड़ा 3 नंबर, और ये सबसे बड़ा है 4 नंबर। ऐसे ही अगला है तो ये है सबसे छोटा 1 नंबर, फिर ये 2 नंबर, फिर ये 3 और ये 4। दूसरा सवाल है नीचे दी गई वस्तुओं को किस अमानक इकाई से मापना उपयुक्त होगा। उपयुक्त अमानक इकाई पर सही का निशान लगाइए। वस्तुओं के नाम दे रखे हैं, जैसे अंगुलियों से ऐसे नापते हैं कौन, ये बालिस्त है, ये हाथ है यहाँ से यहाँ तक, और ये कदम है। ब्लैक बोर्ड है, अब ब्लैक बोर्ड को किस से मापना उपयुक्त होता है, बालिस्त से या फिर हाथ से भी माप सकते हैं। अगला कक्षा की दरी, तो कक्षा की दरी या तो हाथ से या कदम से। अगला है तीसरा अंदाज़ा लगाइए एवं नाप कर तालिका में भरिए। दरी पट्टी की लंबाई, यहाँ अंदाजे से माप लिखनी है फिर उसको माप करके लिखना है। अब देखो दरी पट्टी की लंबाई जैसे 10 हाथ है, जैसे अंदाजे से लग रही है कि 10 हाथ है, नाप कर लिखा तो ये सच में 12 हाथ हुई है। ऐसे ही अगला है मेन गेट से प्रधानाध्यापक कक्ष की दूरी, ये जैसे 25 कदम है और नाप के लिखा है तो इसको सच में आएगी 28 कदम निकली है। अगला कार्य पत्रक है 40 का। दक्षता है लंबाई अथवा ऊंचाई अथवा दूरी का अनुमान अमानक इकाइयों से लगाने की समझ बना पाना। पहला सवाल है नीचे दी गई वस्तुओं की लंबाई या ऊंचाई का अंदाज़ा लगाइए और फिर उन चीज़ों को बालिस्त से नाप कर लिखिए। जैसे ये है गिलास, अभी इनका अंदाज़ा लगाना है बालिस्त से कि कितने का होगा। लगभग मेरा अंदाज़ा बालिस्त लगभग लंबाई अथवा ऊंचाई, जैसे ये गिलास है लगभग 1 बालिस्त है, अंदाजे से लिखनी है। अगला है बल्ला है तो ये जैसे 5 बालिस्त है, फिर है बोतल है तो ये 2 बालिस्त है, आगे है नापो और बनाओ। पत्थर से 2 अंगुली दूर एक गेंद बनाओ, ये पत्थर है इससे 2 अंगुली दूर ऐसे क्या बनाना है, एक गेंद बनानी है। अगला है गेंद से 3 माचिस की तीली की दूरी पर एक पतंग बनाओ, 1 माचिस की तीली की दूरी 2 और 3, यहाँ पर क्या बनाना है, एक पतंग बनाना है। अगला है पत्थर से 3 अंगुली की दूरी पर एक पतंग बनाओ, देखो 3 अंगुली की दूरी पर एक पतंग बनाएंगे यहाँ पर। अगला है पतंग से 2 माचिस की तीली की दूरी पर एक चींटी बनाओ, देखो 1 माचिस की तीली और एक ये 2, यहाँ पर क्या बनानी है, चींटी बनानी है।
अगला है चिड़िया से चार अंगुली की दूरी पर एक बादल बनाओ। देखो चार अंगुली की दूरी पर यहाँ पर एक क्या करना है, बादल बनाना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।